परमेश्वर हमसे क्या सजावट चाहते हैं? तुम कितने भी ऊंचे कपड़े पहन लो, पवित्रता नहीं है तो तुम्हारे पहनने से कोई लाभ। पवित्रता तुम्हारे अंदर नहीं तो सफेद कपड़ा पहनकर कोई लाभ नहीं। पवित्रता अंदर नहीं है तो चर्च में नए कपड़े पहनने से कोई लाभ नहीं। प्रभु उसको नहीं देखता, उसमें भी आनंदित है। तुम कपड़े पहन लो, खुशी के साथ आओ, लेकिन मैं किस में आनंदित हूं? तेरे पवित्र सजावट चाहिए, वही प्रभु उसमें आनंदित होते हैं। मैं कुछ भी पहन लूंगा, मुझे हक है, प्रभु क्या कपड़े को देखता है? ये वितर्क वितर्क नहीं करना है। तो कुछ भी कपड़े पहन सकते, लेकिन टोकर का कारण रहने से तुम जो है समुद्र के गहराई में डाल दिए जाओगे। कुछ भी कपड़े पहनने से, मैं अपने लिए पहनता हूं, दूसरों की टोकर कारण से क्या मतलब है? इसे नहीं कह सकते हैं। संसारिक लोग कह सकते हैं, टोकर कहने का लायक कपड़ा नहीं पहनना है। वचन कहता उचित वस्त्र, उचित वस्त्र पहन के ही मंच पर चढ़ना है, उचित वस्त्र पहनते ही आराधना में आना है। काम में जाने से भी परमेश्वर का संतान है तो उचित वस्त्र पहनना है। तुम्हारा सजावट परमेश्वर का प्रिय रहना, तू अपने में और मनुष्यों को प्रिय करने के लिए नहीं। तो कोई भी क्यों ना हो, अभिषेक पाकर अन्य भाषा बोलने से भी हो, परमेश्वर का उचित पवित्र सजावट में आराधना में आना। खास करके महिलाएं, जो जवान लड़कियां, टोकर खिलाने के लायक कपड़ा पहनने वाले जवान लड़कियां, कल परमेश्वर को हिस्सा देना होगा। पवित्रता स्वाभिमान होके आना है और दूसरे को टोकर का कारण नहीं बनना है।